उत्साह निश्चयाधैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ते प्रशिक्षति। तो इस श्लोक में छह चीजें वो है जिसको करने से भक्ति बढ़ेगी। तो पिछले श्लोक नंबर 2 में छह चीजें जिससे भक्ति घटती है, श्लोक नंबर 3 में छह चीज जिससे भक्ति बढ़ती है। तो 1 नंबर श्लोक क्या है, भक्ति को आरंभ करने के लिए ये जरूरी है। 1 नंबर श्लोक भक्ति को आरंभ करने के लिए छह चीजों का कंट्रोल करना है। इन छह को कंट्रोल करने से भक्ति आरंभ होगी। अंतर इंद्रिय बाहर इंद्रिय को नियंत्रण करना, तो 1 नंबर श्लोक था। 2 नंबर श्लोक में भक्ति आरंभ हो गई, अभी भक्ति घटेगी, भक्ति विनाश होगी छह चीजों से वो बताया गया। 3 नंबर श्लोक में भक्ति बढ़ेगी किसी वो बताया जा रहा। जैसे भक्ति लता का प्रादुर्भाव हो गया 1 श्लोक से, अभी नेगेटिव और पॉजिटिव सब जगह विधि और निषेध होता है। विधि मतलब क्या करना चाहिए जिससे हमारा प्रोग्रेस होगा, निषेध मतलब क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा, प्रोग्रेस रुकता है। तो दोनों चीज बताया गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। 1 नंबर एक 2 नंबर श्लोक में नेगेटिव, 3 नंबर में पॉजिटिव। मतलब ऐसे जैसे नाव चलती है तो पीछे भी पानी धकेलना पड़ता है, सामने से भी खींचना पड़ता है। तो सामने से जो खींचते हैं वो हो गया पॉजिटिव, और पीछे पानी को धकेलते वो नेगेटिव हो गया। तो कहीं पर भी कोई भी चीज जब आगे बढ़ता है एयरप्लेन, तो पीछे हवा को धकेलता है और सामने की हवा को खींचता है। सब जगह यही है, ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है कि नेगेटिव चीजों को धक्का दे के हटाना पड़ता है और पॉजिटिव चीज को ग्रहण करना पड़ता है। तो संकल्प और विकल्प भी, तो ये है 2 श्लोक का। तो इसमें 3 नंबर श्लोक अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके पहले 2 नंबर श्लोक का एक पॉइंट छूट गया था वो हम डिस्कस करेंगे, जो तो माता ने याद दिला दिया। पूंजीवादी और एक है पूंजीवादी और दूसरे साम्यवादी। तो इसके ऊपर एक जमाने में बहुत बड़ा, वर्ल्ड में बहुत बड़ा टॉपिक था ये। मतलब आज से 30-40 साल पहले जब प्रभुपाद जी प्रचार करने गए थे, उस समय ये टॉपिक पूरा ग्लोबल टॉपिक था। टॉपिक क्या था, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, पूरा वर्ल्ड में इसके ऊपर ही चर्चा चल रहा था। तो प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत प्रवचन किए, बहुत आर्टिकल लिखे, लेक्चर दिए। प्रभुपाद ने एक बुक लिखा है इसी के ऊपर, उसका नाम दिया स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। बुक का नाम है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। इसके ऊपर प्रभुपाद ने पूरा टॉपिक को कवर किया। और इस उपनिषद के 1 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी ने विस्तार पूर्वक ये कॉन्सेप्ट बताया। दोबारा इस उपनिषद के भूमिका में भी थोड़ा बताया, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म को हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद, और कम्युनिज्म को हिंदी में कहते हैं साम्यवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद के ऊपर प्रभुपाद बहुत विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसका अभी वर्तमान में इसका रिलेवेंस कम हो गया, इसलिए हम लोग ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन ये सोशल टॉपिक है। ये सोशल टॉपिक है हमारे, जो क्या नाम, कार्ल मार्क्स और लेनिन, ये लोग का है सब्जेक्ट है, उस जमाने में ज्यादा चल रहा था। तो कम्युनिज्म क्या है और कैपिटलिज्म क्या है, संक्षेप में बता देते हैं, फिर आपको मतलब हम लोग को तो हमारा डिस्कस करना है, हम लोग को सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन प्रभुपाद दे रहे हैं उसको ही ज्यादा फोर्स फोकस करना है, लेकिन बैकग्राउंड बताने से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कैपिटलिज्म मतलब ये हो गया कि कुछ लोग हैं पूंजीवादी, उनके पास विश्व में सबसे ज्यादा पैसा है, उसको कहते हैं पूंजीवादी। तो जब जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो चाहते हैं कि बाकी लोग सब गरीब रहेंगे, सब लोग गरीब रहेंगे तो उनका उनका जो प्रेस्टीज है वो बना रहेगा। वो नहीं चाहते थे कभी गरीब लोग धनी हो जाए, इसको बोलते कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब है कि जो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपना जो जो गैप है गरीब और धनी के बीच में, जो गैप है वो गैप को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बोलो वो चाहेंगे कि गरीब ज्यादा गरीब बनते जाए और धनी लोग ज्यादा धनी बनते जाए, तो
तो उससे क्या फायदा, तो उनका पोजीशन बहुत ऊंचा बना रहेगा हमेशा, उनको रेस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा, उनको फैसिलिटी ज्यादा मिलेगा और ज्यादा गरीबों को यूज कर पाएंगे अपनी सेवा में। तो ये इसको बहुत कैपिटलिज्म कहते हैं। और इसके अमेरिका इसका सिंबल था एक जमाने में, अमेरिका को कैपिटलिज्म का सिंबल मानते हैं। वहां पर पूंजीवादी बहुत एकदम चरम मात्रा में पूंजीवादी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा जिसकी सीमा नहीं है, ऐसे लोग अमेरिका में थे। और कम्युनिज्म का अड्डा है रशिया। तो कम्युनिज्म का फिलोसफी क्या है, तो कम्युनिज्म इसके पूरा विपरीत है, ऐसा उल्टा पूरा ऑपोजिट। वो क्या करेंगे, तो पूंजीवादियों का पैसा को छीन लेते हैं, छीन के गरीबों में बांट देते हैं। तो छीनने का तरीका कैसे है, वो लीगली करेंगे, मतलब रूल बना के, या गुंडागर्दी करके करेंगे, चोरी करके, डकैती करके, कैसे भी गरीब लोग मिलेंगे। जब गरीबी बहुत बढ़ जाती है, उनको खाने को नहीं मिलता है, तो फिर वो लोग गुंडागर्दी करेंगे, चोर बन के वो पूंजीवादियों का पैसा लूटेंगे, लूट के सबको बांट देंगे। इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। तो इसके ऊपर बहुत लड़ाई चल रहा है पूरे विश्व में, चल रहा था, अभी बहुत समान हो गया, अभी मोटा मोटी बैलेंस आ गया। ये सब सोशलिज्म, ये सब टेम्पररी होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ये सब इटरनल नहीं है। तो कम्युनिज्म बहुत भाव से रशिया में, तो कम्युनिज्म आकर के रशिया को पूरा तोड़ दिया था, रशिया की हालत खराब हो गई। कम्युनिज्म भी अच्छा, अभी आप लोग का मैं थोड़ा एक ओपिनियन लेता हूँ कि आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा अच्छा है, कैपिटलिज्म अच्छा है कि कम्युनिज्म? हाँ बताइए, जो गरीब लोग का पैसा सबको बांट देना अच्छा है कि पैसे वाले लोग ऊपर रहेंगे वो अच्छा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कैपिटलिज्म इज फार बेटर देन सोशलिज्म, क्योंकि सोशलिज्म में करप्शन इतनी ज्यादा होती है, मतलब केवल वो पॉलिटिशियन ही खा रहे होते हैं और समाज का शोषण हो रहा होता है, और किसी कंट्री का आज तक कोई भला नहीं हुआ सोशलिज्म से। सोशलिज्म सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा लुभावना लगता है, बट जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट कंपनीज उसको ले लेती हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज डिमांड के अनुसार बना नहीं पाती, और ना वो नई सोच ला पाती है, नए नए इन्वेंशन ला पाती है। एक प्राइवेट प्लेयर ही अपनी मेहनत से नई नई इन्वेंशन, नई नई चीजें डेवलप कर सकता है। गवर्नमेंट कंपनी में करप्शन इतनी ज्यादा होती है और वो हर जगह फ्लॉप है वो। हरे अरे कृष्णा। बहुत वेरी गुड, प्रो जी का पर्सनल एक्सपीरियंस है और स्टडी है, उससे बताया, हम लोग को सब स्पेकुलेशन करके बोलेंगे अंदाज से, लेकिन उन्होंने जो स्टडी किया उससे बोल रहे हैं। यहाँ अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, किसी भी चीज में जिसमें जोर जबरदस्ती की जाए वो कोई भी चीज अच्छी नहीं है। अगर आप स्वेच्छा से कर सकें, दैट इज द हम लोग जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो सबसे बेस्ट है, और इसीलिए फाइनली हम लोग प्रजातंत्र में आए। तो ना तो पूंजीवादी अच्छा है ना ही साम्यवादी अच्छा है, दोनों चीजों में किसी ना किसी तरीके को प्रेशराइज किया जाता है। इसलिए ही प्रजातंत्र आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। और रशिया भी फाइनली प्रजातंत्र में हुआ, अमेरिका भी फाइनली प्रजातंत्र में गया। तो इन माय व्यू दैट कोई भी चीज जो आप जबरदस्ती किसी से भी कराएंगे तो वो कहीं पे भी अच्छी नहीं होगी। थैंक यू। तो यहाँ पर श्रमिक की ओर से बोलने वाला कोई नहीं है, हमको व्यू तो मिल गया कैपिटलिज्म के फेवर में और एक न्यूट्रल भी मिल गया, लेकिन श्रमिक का कोई भक्त देखने रहा, इधर देख रहे हैं। अंबेडकर का फॉलोवर नहीं है कोई इसमें, ऐसा लग रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर भी इसी वाले थे, गरीबों को ऊपर उठाना, ये सब इसी चक्कर में थे। ओके, तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। विनय प्रभु ने तो सही बताया, कम्युनिज्म का प्रॉब्लम, कम्युनिज्म फ्लो पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह, लेकिन रशिया में तो भयंकर दुर्दशा हो गई रशियन लोगों का कम्युनिज्म के वास्ते। बाद में उलट गया, अभी वो नॉर्मल हो गया रशिया। और कलकत्ता में भी बहुत जबरदस्त हुआ है, कलकत्ता में बहुत लोगों का जमीन छीन लिया, जिनके पास ज्यादा जमीन था सरकार ने छीन लिया। छीन के क्या किया, कम्युनिज्म के नाम पे छीन तो लिया जमीन,
हम अभी भी मिले एक जन को, उनके पास बहुत जमीन था, मतलब कलकत्ता में उनके पास 500 एकड़ जमीन था, 500 एकड़, 200 एकड़, 200 एकड़ उनका लीगल उनके लैंड है, 200 एकड़ मतलब सोचते आधा कलकत्ता हो जाएगा, तो इतनी बड़ी जमीन थी उनके पास, और गवर्नमेंट ने छीन लिया, छीन के कर दे क्या है, छीन के अपना पॉकेट भरा सर, कुछ नहीं किया, सेवा कुछ नहीं किया, खाली उन लोग को भिखारी बना दिया जिनके पास 200 एकड़ जमीन था, अभी वो अभी उनको खाने का भी तंगी है, सोचिए कागज में उनके पास 200 एकड़ लैंड के मालिक हैं कलकत्ता सिटी के अंदर, लेकिन घर पे खाने का भी तंगी चल रहा है, सरकार ने उनको गिरा दिया। एनीवे आफ्टर ऑल अपना कर्म फल होता है, लेकिन अभी जो जो डिस्कस ये कर रहे हैं का वो आदमी के दिमाग के अंदर जब तक ये दिमाग के अंदर जब तक आदमी लोग के अंदर ये जो ग्रीड लस्ट एंगर भरा रहेगा, तो ये सब जो आइडियाज सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के, जो आइडिया लिख के गए वो लोग थोड़ा सा एडवांस थे, मुनि टाइप के लोग थे जो लोग ने लिखा है, लेकिन फॉलो करने वाले तो सब चीटर और सब गुंडेगर्द गुंडे लोग हैं, तो उनको तो वो आइडिया को अप्लाई करेंगे लेकिन उनका दिमाग में चोरी छुपा हुआ है, तो वो क्या कोई काम नहीं आएगा। तो एनीवे मैं दोनों का फॉल्ट बता देता हूँ, मैं तो प्रभुपाद का व्यू क्या है बता देता हूँ, प्रभुपाद क्या बोलते हैं बता देता हूँ। कम्युनिज्म का फॉल्ट यह है कि कम्युनिज्म कहता है कि सब सब एक होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये बोगस है, ऊपर नीचे होगा ही, एक सब नहीं हो सकता, क्योंकि सब आदमी का स्वभाव एक जैसा नहीं है, जिनका लो क्लास नेचर है वो लो क्लास में रहना पड़ेगा, मतलब शूद्र का स्वभाव शूद्र जैसा ही बना रहेगा, जिसका क्षत्रिय का स्वभाव क्षत्रिय बना रहेगा, जिसका ब्राह्मण का स्वभाव ब्राह्मण जैसा बना रहेगा। भगवान स्वयं वर्णाश्रम की स्थापना करते हैं और उसमें सोशल डिफरेंस रहता है, वर्णाश्रम में एक नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कैसे करेंगे, सब लोग तो एक जैसे बुद्धिमान है, कुछ डल हेडेड होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, सबको एक में कैसे डाल सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, सबको एक कर देना ये बहुत डेंजर है, इसमें बहुत खतरा, अच्छे लोग बहुत प्रॉब्लम हुआ सोसाइटी में, सब एक नहीं हो सकते, ये पहला बात है, ये फॉल्ट है कम्युनिज्म का कि सब एक नहीं हो सकते। आप कैसे जन्म से देखे ना, सब में डिफरेंस है, सबका गुण अलग है, कर्म अलग है, क्वालिटी अलग है। अब स्वीपर को और एक ऑफिस में आदमी ऑफिसर बैठा हुआ है, ऑफिस में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऑफिस में ऑफिस को संभाल रहा है, और एक आदमी ऑफिस में बाथरूम क्लीन करता है। अब ये लोग बोलते दोनों इक्वल है, बाथरूम क्लीन करने वाला और ऑफिस दोनों इक्वल है, ये कैसे संभव, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सुनने में अच्छा लग सकता है, वैकुंठ में जाना पड़ेगा, वैकुंठ में जाएंगे तो शायद एक जैसा दिखेगा वहां पर, लेकिन भौतिक जगत में कैसे संभव है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है कम्युनिज्म का। और कैपिटलिज्म का क्या प्रॉब्लम है, कैपिटलिज्म वाले लोग सोचते हैं कि हम हमेशा धनी बने रहेंगे और गरीब लोग हमेशा गरीब बने रहेंगे, तो सुनने में तो लग रहा है फॉल्ट है इसमें। हाँ, हम ये बोलते हैं कि ऊपर नीचे रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये कॉन्सेप्ट गलत है, सबको दबा के रखना ये कॉन्सेप्ट गलत है, हम ही हमेशा धनी रहेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों गलत है, प्रभुपाद इसका सोल्यूशन आध्यात्मिक सोल्यूशन देते हैं, वो क्या सोल्यूशन है, प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर को बीच में लाना पड़ेगा, भगवान को, भगवान को बीच में लाएंगे तो कम्युनिज्म भी अच्छा रहेगा और कैपिटलिज्म भी अच्छा रहेगा, और भगवान बीच में नहीं है तो दोनों फ्लॉप करेगा, ये प्रभुपाद का सोल्यूशन है। और प्रभुपाद खाली सेंटिमेंटली नहीं बोलते, प्रभुपाद साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं, ईशावासन इदम सर्वम, ईश्वर सबके मालिक है, कैपिटलिज्म वाले बोलते हम मालिक है, अमेरिका वाले बोलते हम इसके मालिक है, गरीब लोग मालिक नहीं है, और गरीब लोग बोलते नहीं वो मालिक नहीं, हम लोग सब मालिक है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि एक कम्युनिज्म का प्रॉब्लम प्रभुपाद बताते हैं एक एग्जांपल में, कि कुछ चोर लोग चोरी करते हैं, कुछ चोर लोग मिलकर चोरी करते हैं रात को,
और चोरी करने के बाद बंटवारा करते हैं। एक काली मंदिर में जाते हैं, काली मंदिर में बाहर में अंगने में बैठ जाते हैं सारे चोर, और चोर सब आपस में बंटवारा करते हैं। तब चोर लोग बोलने लगे कि अरे उसमें आपस में झगड़ा होता है चोरों के बांटने में, तो बोलते अरे तुम ऑनेस्टली ऑनेस्टली डिवाइड करो, डिसऑनेस्ट मत बनो, सत्यता पे चलो, असत्य मत बनो। तो ये कम्युनिज्म के नारे हैं। आप पहले चोरी करके लाए पूरा सामान, अभी बोले कि ऑनेस्टली डिवाइड करो, अभी बोले सत्य का, तुम्हारा रास्ता ही असत्य का है, तुम्हारा काम डिसऑनेस्टी का है, लेकिन उसके अंदर भी ऑनेस्टी और सत्यता को ढूंढ रहे हैं। इसी प्रकार आप भगवान जो मालिक है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पहली बात, भगवान का सामान चोरी कर रहे हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है, ये पहले मानना पड़ेगा कि हवा भगवान का है, पानी भगवान का है, खाना भगवान का है, स्वीकार करने के बाद बांटिए, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग बोलते नहीं, भगवान का अस्तित्व नहीं है। कम्युनिज्म का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो भगवान को नहीं मानते हैं, बोलो पूरा नास्तिक है, एथिस्ट, 100% एथिस्ट है। वो कोई भगवान का नाम लेगा तो उसको उड़ा देंगे गोली से, इतने इतने खतरनाक रशिया में था। सोचिए तो भगवान से क्या तुम लोग को शत्रुता हो गई, तुम लोग आपस में बांटो बांटो जो भी करो, लेकिन भगवान नहीं, क्योंकि भगवान पिक्चर में आने से इनका कम्युनिज्म टलमल हो जाता है। उनको लग रहा है कि भगवान को भी हमारे समान इक्वल होना चाहिए, भगवान का ऑपुलेंस का वर्णन है वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है कम्युनिज्म का। कैपिटलिज्म का क्या प्रॉब्लम है कि कैपिटल वाले लोग भी सोच रहे कि मैं मालिक हूँ, मैं पूरे धन का मालिक हूँ, वो भी भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये जो बुक है वैदिक साम्यवाद, इसमें साम्यवाद को सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिज्म को, लेकिन कृष्ण केंद्रित कम्युनिज्म प्रभुपाद प्रपोज कर रहे हैं। प्रभुपाद कैपिटलिज्म वर्ड को तो एक्सेप्ट नहीं किए, उसको प्रभुपाद कंडेम कर दिए, कम्युनिज्म वर्ड को स्वीकार किए, लेकिन प्रभुपाद बोलते वैदिक कम्युनिज्म, कम्युनिज्म होना चाहिए, मतलब कम्युनिज्म वर्ड है कि साम्यता, समानता, समानता होनी चाहिए लेकिन कृष्ण को बीच में रख के होनी चाहिए। ये प्रभुपाद का सोल्यूशन है कि ईश्वर सबके मालिक है, ईशा वाशम इदम सर्वम, ये श्लोक इसका आंसर है कि ईशा, ईशा मतलब भगवान ईश्वर, और वाश्यम मतलब दो अर्थ वाश्यम का, एक है कि भगवान का वास है सब जगह, भगवान सबके अंदर है, दूसरा वाशम का अर्थ वश कंट्रोल में है। तो जो भी चीज पड़ी है दुनिया में, जितना भी पेट्रोल है, तेल है, पानी है, सूर्य की ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएं हैं दुनिया में, सब ऊर्जाएं भगवान के नियंत्रण में है और भगवान उनके मालिक है। ये पहला बात सबको मानना होगा कि सब चीजों के मालिक भगवान है, तुम कैपिटलिस्ट मालिक नहीं है। ये अरब वाले मालिक ने अमेरिका वाले उसको लेकर फायर पेट्रोल को लेकर लड़ाई हो रहा है, अरब वाले बोलेंगे हमारा पेट्रोल है क्योंकि हमारे जमीन से निकल रहा है, और अमेरिका वाले बोले नहीं हमारा है। तो मालिक भगवान है, पहला बात ये मानना पड़ेगा कि सब ऊर्जाओं के मालिक भगवान है और भगवान के नियंत्रण में है। ये अगर पहले मान लेंगे एक नंबर, उसके बाद ईशावासम इदम सर्वम, ये ईशोपनिषद पूरी दुनिया के लिए गाइडलाइन है, ये जो पूंजीवाद और साम्यवाद के लिए गाइडलाइन श्लोक है, ये फाइटिंग को एंड करने के लिए प्रभुपाद इसी श्लोक को प्रयोग करते हैं, और कोई इससे बेटर श्लोक नहीं। इसके बाद क्या बोलते हैं, यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ है, एनीथिंग, आप कुछ भी दुनिया में देखेंगे, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य की प्रकाश हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, इसके मालिक भगवान है और भगवान के नियंत्रण में है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये चाबी है, तेन त्यक्तेन मतलब भगवान ने तुमको जितना दिया है उतना तुम स्वीकार करो, जितना तुम्हारे कोटा में है उतना तुम स्वीकार करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, भुंजिता मतलब भोग करो, एंजॉय करो। मा ग्रिधा मतलब किसी का, ग्रिध मतलब ग्रीड, लालच, लोभ, हड़पना, तो दूसरे किसी का हड़पने का प्रयास मत करो। कश्चित धनम, धनम वर्ड है वेल्थ, दूसरे की वेल्थ, दूसरे की संपत्ति को हड़पने का प्रयास मत करो।
तुमको जितना मिला है उतना तुम एंजॉय करो। वो भी कैसे एंजॉय करना है? तेना त्यक्ते ना, त्यक्ते ना मतलब भगवान ने जो छोड़ दिया है, छोड़ देना का मतलब क्या हुआ? प्रसाद। तो भगवान का प्रसाद के रूप में तुम अपना को, तुमको भगवान ने जो दिया वो एंजॉय करो, दूसरे के प्रॉपर्टी को एंक्रोचमेंट करने का प्रयास मत करो। ये श्लोक जो है वो एकदम यूनिवर्सल है, साम्यवाद और पूंजीवाद का सोल्यूशन है, और शायद ऋग्वेद में भी इसका, शायद मेरे ख्याल से इस श्लोक का आता है, ऋग्वेद के अंदर आता है ये उपनिषद, इस उपनिषद तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये श्लोक। यही सोल्यूशन है साम्यवाद और पूंजीवाद का। आप लोग इस उपनिषद पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा दोबारा, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सुतो वृत्ति षड्विध भक्ति प्रसिद्धति। ये छह चीजों के द्वारा भक्ति प्रसिद्धति, प्रसिद्धति मतलब भक्ति का वर्धन होगा, भक्ति बढ़ जाएगी ये छह कार्यों से। तो पहला है उत्साह, उत्साह मतलब इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म उत्साह, उत्साह वर्ड हम लोग हमेशा सुनते, बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। उत्साह बना रहना चाहिए। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में बोलते हैं कि जब भक्ति आरंभ होती है तो पहली भक्ति होती है उत्साहमयी भक्ति। भक्ति पहले होती है उत्साहमयी, उत्साहमयी भक्ति शुरू में उत्साह बना रहता है। इसलिए एक नंबर श्लोक में भक्ति आरंभ हो गई और अभी ये तीन नंबर श्लोक में भक्ति उत्साहमयी, उत्साहमयी भक्ति होती है और शुरू शुरू में बहुत उत्साह रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद में उत्साह घट जाता है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। कुछ दिन के बाद उत्साह कम हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, उत्साह बने रहना चाहिए। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जब हम नए क्लास में एंट्री करते हैं, है ना, तो नए क्लास का जब टेक्स्ट बुक आता है तो हम लोग बहुत पहला दिन नया नया बुक बहुत आनंद से खोलते हैं कि क्या क्या लिखा है। देखिए जल्दी जल्दी खोलने का मन होता है, पढ़ने का मन होता है, कौन से चैप्टर से क्या है, और दो तीन दिन तो बहुत बुक्स को देखते हैं, उसके बाद साल भर उसको देखने का इच्छा नहीं होता है। जब दीक्षा होती है, नया माला मिलता है, तो शुरू में तो बहुत उत्साह पूर्वक, मतलब कुछ दिन तो बहुत आनंद से जप करते हैं कि नया माला मिला है, गुरुदेव ने दिया है, बहुत आनंद, लेकिन वो चीज फिर बाद में नहीं रहता है। सब जगह भौतिक जगत में ऐसा ही होता है। भक्ति शास्त्री जब शुरू होता है तो बहुत उत्साह, एकदम आनंद से, खुद भक्ति शास्त्री, भक्ति शास्त्री, कुछ दिन तो बहुत उछलते कूदते, फिर उसके बाद धीरे 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 वो उत्साह घट जाता है। और फिर कछुए का भी आप लोगों को पता है स्टोरी सबको, कछुआ और खरगोश का, है ना। तो कछुआ का जो उत्साह है वो क्या, बिगिनिंग टू एंड बना रहता है, और खरगोश क्या है, उत्साह से स्टार्ट करता है लेकिन आगे जाके लेजी हो जाता है। तो हमें जो उत्साह है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं उत्साह हमेशा बनाए रखना चाहिए, ऑल टाइम मेंटेन करना चाहिए, निरुत्साही नहीं होना चाहिए। ये भक्ति, उत्साह से भक्ति का वर्धन होता जाएगा, उत्साह से भक्ति बढ़ते जाएगा, इसलिए हम कुछ ना कुछ उत्साह, भक्तों को उत्साह बनाए रखें, इसलिए हमको ये करना पड़ता है बहुत सारे एक्टिविटी। जैसे हम लोग जन्माष्टमी करते हैं, राधाष्टमी करते हैं, हरिनाम कॉन्टेस्ट कर लिया, फिर गीता जयंती में गीता जयंती कर लिया, बुक मैराथन कर लिया, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे आचार्य लोग ने ये प्रेस्क्राइब किया। उससे क्या होता है, थोड़ा भक्त में उत्साह बना रहता है। तो उत्साह बना रखने के लिए सब क्रियाएं की गई है, लेकिन जो ऑलरेडी उत्साह स्तर को क्रॉस कर लिया है उनको ये कुछ माने नहीं रखता है, कौन सा फेस्टिवल है क्या नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, उसका भक्ति चलता रहता है, चलता रहता है।
लेकिन जो लोग थोड़ा साधारण भक्त है उनको जरूरी होता है, फेस्टिवल वेस्टिवल आने से उत्साह उनका बढ़ जाता है, तो प्रचार करने से उत्साह बना रहता है। अगर प्रचार करते हैं तो भक्तों के अंदर उत्साह बना रहता है। देखिए जहां जहां प्रचार होता है वहां पर आपको उत्साह दिखेगा। जिस मंदिर में प्रचार ज्यादा होता है उस मंदिर में जाएंगे तो आपको सबके चेहरे पे उत्साह दिखेगा, और जहां प्रचार नहीं है वहां पर डल लगेगा, सबके चेहरे पे डल। डल मतलब आप समझते हैं उदासी, उदासी छाए रहेगी उनके चेहरे के ऊपर अगर वो प्रचार नहीं हो रहा है वहां पर। प्रचार से भी उत्साह आता है, उत्साह हमें निरंतर बनाए रखना चाहिए, ये जरूरी है। उत्साह अगर घट जाएगा, जैसे आप निर्जल उपवास करते हैं ना, तो निर्जल उपवास करने के दिन हम लोग पेट में भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं उत्साह बना रखना है ना। हम लोग बोलते नहीं है कि बहुत भूख लगी, ऐसे बोलते नहीं है किसी, पता है बोलने से क्या है सुनने वाले का भी उत्साह टूट जाएगा, तो अपना कष्ट को हम छुपा देते हैं और ऊपर से क्या प्रयास करते हैं उत्साही बने रहने का। उत्साह टूटेगा तो आप टूट जाएंगे। जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, केदारनाथ हम लोग गए थे 14 किलोमीटर, बहुत भयंकर, बहुत ही कष्ट हुआ, लेकिन पहाड़ के ऊपर जब चढ़ते रहते हैं तो क्या बोलते हैं बीच बीच में, हरि बोल, बोलाना, जय बोलाना, के नारे लगाते रहते हैं, नारे लगाते रहते हैं। क्यों नारे लगाते? उत्साह बनाए रखने के लिए। फिर जब ये कांवड़िया लोग चल के जाते हैं यहाँ से कलकत्ता से तारकेश्वर, तो रास्ते में चिल्लाते जाते और दौड़ते जाते। क्यों वो चिल्लाते? क्यों है? नारे लगाते जाते हैं, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, बम्बोल बम्बोल, जोर जोर से नारे लगाते। नारे क्यों लगाते? उत्साह बनाए रखे, क्योंकि अगर उत्साह टूट गया तो चल के पहाड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, बीच में आप खत्म। अगर उत्साह बना रहेगा तो चढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है। तो शरीर में भले ताकत नहीं है लेकिन उत्साह अगर है तो चढ़ जाएंगे पहाड़ के ऊपर। लेकिन हम देखें कि बूढ़े लोग, 70 साल के बूढ़े लोग केदारनाथ चढ़ गए, और एक माता जी तो हम सबसे आगे चढ़ गई, सबसे बूढ़ी भी थी फिर भी सबसे आगे चढ़ गई, उम्र में सबसे एजेड है लेकिन आगे चढ़ गई, आश्चर्य की बात है। तो उत्साह अगर बना रहेगा तो आप बड़ा बड़ा पराक्रम कर पाते। तो भौतिक जगत की बातें कर रहा हूं सर, इसी प्रकार भक्ति में भी उत्साह बनाए रखना जरूरी है। और जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनका तो डबल हो जाता है काम, वो तो खुद भी उत्साह बनाए रखते हैं, यद्यपि बहुत सारा एडवर्सिटी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है लाइफ में, फिर भी उत्साह बनाए रखते हैं, दूसरों को उत्साह देते रहते हैं, तो उनका डबल काम हो जाता है। वो सबको उत्साह देना लीडर लोग का काम होता है, कि वो लीडर होते हैं जो दूसरों को उत्साह हमेशा प्रदान करते रहे, उत्साह प्रदान करते रहे, और अपने प्रॉब्लम्स को छुपा के रखते हैं और अपना भी उत्साह बनाए रखते हैं। तो भक्त, आप लोग तो सब भक्ति शास्त्री कर रहे हैं और सब लोग छोटे मोटे कहीं ना कहीं लीडर होंगे, प्रचार कर रहे होंगे, तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि दूसरों को उत्साह देते रहें। ये एक सेवा है, दूसरों को उत्साह बांटते रहना एक सेवा है भगवान की तरफ से। दूसरा है निश्चय, उत्साह। अब बोलेंगे तो इसको तो दिन भर बोल सकते हैं उत्साह के बारे में, लेकिन पढ़ लीजिएगा और भी कुछ बातें होगी, तो ये बेसिकली उत्साह के ऊपर है। और निश्चय, ये जो श्लोक एक्चुअली मैं महाभारत में है, ये जो श्लोक रूप गोस्वामी कोट किए हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, तो महाभारत का श्लोक है। और जो पिछला श्लोक भी था अत्यार वाचवेगम, वो भी महाभारत में, मैंने खुद पढ़ा है श्लोक दोनों उधर। तो ये मतलब जनरल है, भौतिक जगत में भी ये श्लोक लगता है। तो रूप गोस्वामी हमारे भक्ति में भी बताए लगेगा। निश्चय, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास। तो उत्साह भी बना रहना चाहिए और दृढ़ विश्वास भी बना रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास का अर्थ क्या हुआ?
उत्साह मतलब आनंद से करते रहेंगे, उत्साह दृढ़ विश्वास मतलब ये हुआ कि हम जिस मार्ग में चल रहे हैं ये मार्ग में अगर हम चलते रहे तो एक दिन डेस्टिनेशन जरूर आएगा, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कलकत्ता से दिल्ली रोड है, अगर हम दिल्ली रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और साइन बोर्ड दिख रहा है दिल्ली रोड है, तो हम अगर चलते रहेंगे तो दिल्ली आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं, हमको उसमें कोई संदेह नहीं, रास्ता कोई इधर उधर चीटिंग वाले का तो कोई बात नहीं, मेन रोड है, हाईवे रोड है, एक्सप्रेस है, तो पहुंच जाएंगे। तो भक्ति का जो एक्सप्रेस हाईवे है जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, भक्ति का हाईवे के ऊपर ये मार्ग हमको एक दिन जरूर वहां पहुंचा देगा। हमको खाली चलते रहना। वो हो सकता है किसी को देरी लगेगा, किसी को जल्दी हो जाएगा, कोई आज पहुंचेगा, कोई कल पहुंचेगा, कोई परसों पहुंचेगा, लेकिन इस मार्ग में अगर चलते रहेंगे तो जरूर वहां पहुंचेंगे, इसको बोलते हैं निश्चय, डिटर्मिनेशन। क्योंकि निश्चय रहेगा तो उत्साह बना रहेगा, नहीं तो उत्साह नहीं रहेगा। अगर आपको गारंटी नहीं है कि अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे, कोई भरोसा नहीं है, तो उत्साह किस बात का? उत्साह रह नहीं सकता है जब तक निश्चयता नहीं है, उत्साह नहीं रह सकता है। तो फल की निश्चयता कि फल की प्राप्ति जरूर होगी, ये डिटर्मिनेशन निश्चयता होनी चाहिए। और ये निश्चयता कहाँ से आएगी? निश्चयता शास्त्रों से आएगी। कृष्ण बोलते हैं गीता में कि जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम आ जाएगा। मन मना भव मद मुक्त मद्याजी मान मुस्कुरु माँ में वे सत्यम थे प्रति जाने प्रियोशी में। भगवान बोलते मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। डबल ट्रिपल गारंटी दिया है भगवान ने इस श्लोक में कि अगर कोई मेरा स्मरण कर मेरी पूजा करता है, मुझे नमस्कार करता है और मेरा भक्त बनता है तो वो जरूर 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 मेरे धाम आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, कौंतेय प्रति जाने न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होगा। तो ये इन बातों के ऊपर भरोसा करके हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कृष्ण के प्रॉमिस के ऊपर भरोसा रखना, निश्चय। तो ये हो गया निश्चयता, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तीसरा है धैर्य। अभी धैर्य की क्या आवश्यकता है? धैर्य की आवश्यकता इसलिए है कि दिल्ली बहुत दूर है। हम इतना दिन चल रही है, 20 साल से जप कर रहे हैं, 15 साल से जप कर रहे हैं, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई निशान नहीं दिख रहा है। हाँ, सब बोल तो रहे हैं कि फल की प्राप्ति हो जाएगी, फल की प्राप्ति, लेकिन कुछ पत्ते डाल वाल कुछ नहीं दिख रहे, तो फल कहाँ से मिलेगा? ये हम लोग का उत्साह टूट जाता है। इतना साल हो गया लेकिन कुछ भक्ति का प्रोग्रेस हुआ कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है। अभी नए भक्त होते वो तो बहुत उत्साही होते, बोलते प्रभु अभी तो मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ, वो तो बोल देते तुरंत। हाँ, नए भक्तों का तो उत्साह बहुत रहता है, प्रभु मैं अभी ऑलरेडी शरणागत हो चुका हूँ, अभी मुझे ये करना, अभी मुझे शुद्ध भक्ति में ऑलमोस्ट मेरा 90% हो गया, 10% बाकी है। तो नए भक्त तो ऐसा बोल देते, लेकिन जो 15-20-25 साल हो जाने के बाद तो लगता है कि हम तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ गाड़ी, कहाँ पर है पता नहीं चल रहा है, रास्ता ठीक है कि नहीं, ये बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। इसलिए निश्चयता होगी, पहले तो निश्चयता प्राप्त करनी होगी शास्त्रों को स्टडी करके कि नहीं एटलीस्ट हमारा मार्ग गलत नहीं है, ये तो चेक कर लेना चाहिए हम ठीक रास्ते पे गाड़ी जा रहा है कि नहीं, ये टेस्ट कर लेना बहुत जरूरी है। इसको टेस्ट करने के लिए शास्त्र की जरूरत है, बहुत शास्त्र स्टडी की, जो हम लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, फिर ये संदर्भ का स्टडी और तत्व संदर्भ, भक्ति संदर्भ, ये करने से क्या है एटलीस्ट ये तो पक्का हो जाता है कि हमारा मार्ग सही है, निश्चयता तो हो गई। अभी प्रॉब्लम है कि फल नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक कोई चिन्ह निशान नहीं दिख रहा है। भव सागर में जैसे गिरे हुए तो हमको किनारा नहीं दिख रहा है। सुंदर भजन था गुजराती में, मने सूझे ना किनारो मारो क्या आरो। उसका मतलब कि ये भगवान मैं सागर में गिरा हुआ हूँ, मुझे दूर दूर तक सागर का किनारा नहीं दिख रहा है, मैं नाव को तो ले जा रहा हूँ। सागर बहुत बड़ा होगा, आप लोगों को पता है कि सागर में अगर बीच में हमारी नाव चल रही है और दूर दूर तक सागर में कोई किनारा नहीं दिख रहा है, वो तो किनारा नहीं दिख रहा है, पता नहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, किनारा आएगा कि नहीं सामने, इससे उत्साह टूट जाता है भक्तों का।
बहुत साल के बाद, 20-25 साल के बाद भी ये हालत होती है कि दिखना कि अरे लगता है कुछ किनारा ही नहीं दिख रहा है। किनारे का मतलब हम लोग का किनारा मतलब भगवत प्रेम। तो भगवत प्रेम का कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, इतना दिन भक्ति करने के बाद भगवान की प्राप्ति का कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। शास्त्र में कहा है कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कहाँ है? भगवान तो दिख नहीं रहे, भगवान का कोई आवाज नहीं आ रहा है, भगवान का रूप नहीं दिख रहा है, भगवान का धाम नहीं दिख रहा है, भगवान का प्रेम नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा किनारा है, ये हमारा लक्ष्य है, और इसकी जब प्राप्ति नहीं होती है तो उत्साह टूट जाता है। इसलिए बोलते धैर्य रखना है कि मार्ग सही है और चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये नारा लगाते हैं। बहुत लंबा मैराथन करते बोल चलते रहो चलते रहो, तो चलते रहो मार्ग सही है तो धैर्य के पूर्वक। धैर्य मतलब ये कि चाहे कितना भी दिन लग जाए हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, चलना नहीं छोड़ेंगे, रास्ता दो चीज नहीं छोड़ना है, चलना बंद नहीं करेंगे, दूसरा रास्ता नहीं छोड़ेंगे, बस दो चीज जरूरी है। तो उत्साह से हमारा चलना चलता रहेगा और निश्चय से मार्ग नहीं छूटेगा। निश्चयता नहीं है तो मार्ग छूट जाएगा। अगर हमको गहरे लग रहा है कि शायद ये मार्ग गलत है, इतना दिन हो गया कुछ दिख, चलो रास्ता चेंज कर देते हैं, तो रास्ता चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर चलना बंद कर देंगे, अभी बैठ जाओ कुछ दिख नहीं रहा है, बैठ जाते हैं आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उत्साह से हमारा गाड़ी चलता रहेगा उस मार्ग के ऊपर, जो मार्ग एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहा है, दिल्ली रोड पे अगर हम जा रहे हैं तो हमारा, हमको पता है कि इधर रेखा है ऊपर कि रोड दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, और एक्सप्रेस हाईवे नंबर इतना है, हाईवे नंबर 8, हाईवे नंबर 5 लिखा हुआ है। तो हमें इस रास्ते को, शायद इस रास्ता गलत हो गया लगता है, अभी तक क्यों नहीं आया डेस्टिनेशन, तो रास्ता चेंज करना है नहीं, ये दो बात रखनी पड़ेगी। एक तो निश्चय होना चाहिए, निश्चय के लिए हमें बार बार शास्त्र स्टडी करना होगा, शास्त्र स्टडी करते रहेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने डेली भगवद गीता और भागवतम क्लास का सेशन रख दिया है मंदिर में। डेली भागवतम सुनेंगे, गीता सुनेंगे, तो हमारा बुद्धि शार्प होते जाएगा, पक्का रहेगा, निश्चय बना रहेगा, और उत्साह भी रहना चाहिए, चलते रहेंगे, ठीक है। तो धैर्य, उसके बाद धैर्य के बाद क्या है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो जो जो हमें निर्देशन दिया है उसको पालन करेंगे। उस मार्ग के ऊपर चलने के समय मार्ग में कुछ निर्देशन है कि लेफ्ट में गाड़ी चलाइए, राइट में मत जाइए, सिग्नल में रुक जाइए, तो ये जो निर्देशन है इसको बोलते तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जो आचार्य ने जो मार्ग बनाया उस मार्ग के ऊपर आचार्यों ने कुछ साइन भी लगा दिए। क्या साइन है कि सुबह जल्दी उठना है 4:30 बजे, स्नान करना है, तिलक लगाना है, मंगलाती करना है, जप करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये जो चीजें हैं इसको कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तना। जो आचार्यों ने जो निर्देश देख गए हैं उनको फॉलो करना, तो ये फॉलो करना है, लेकिन फॉलो कैसे करना है, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ। और 5 नंबर है संग त्यागात सतो वृत्ति। संग त्यागात, अब संग त्याग करना, किसका संग त्याग करना, जो निरुत्साही है, जो दूसरों को निरुत्साही कर रहे हैं उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको उत्साह बनाए रखेंगे, आपको अगर उत्साह है अपना मेंटेन करना है, तो जो लोग उत्साह तोड़ने वाले हैं उनसे बचना पड़ेगा। यह है संग त्यागात। उत्साह तोड़ने वाले कौन है, एक भगवान भगवान कुछ नहीं है, एंजॉय करो, एक जीवन तो मिला है, अभी तुम अगर तपस्या करोगे तो एंजॉय कब करोगे, ये लोग हैं संग त्यागात, इनका संग तोड़ना पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे भक्त भक्ति में नया आते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत खराब होता है, इसलिए वो भक्ति उनका जल्दी प्रोग्रेस नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स सब ड्रिंक करने वाले हैं, स्मोक करने वाले हैं, खराब काम करने वाले हैं, और वो लोग भक्ति को नहीं मानते, वो लोग गलत प्रेरणा देते रहते हैं। ये हो गया संग त्यागात। और सतोवृत्ति, तो सतोवृत्ति का अर्थ जो भक्त उत्साही है उसको फॉलो करना है।
जो लोग उत्साह के साथ सबका उत्साह बढ़ाने वाले हैं, जो सबको उत्साह के साथ ले जा रहे हैं, निश्चय के साथ धैर्य के साथ जब ले जा रहे, लीडर हैं, नेता हैं, आचार्य हैं, उनको उनको फॉलो करना है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये वर्ल्ड में कहीं पर भी लगा दीजिए, एक काम करेगा। एक्चुअली हम लोग शास्त्रों को एडवांटेज लेना नहीं चाहते, मिसयूज नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इस लोग के ऊपर बड़ी कंपनी में अगर लेक्चर दे देंगे तो सुपर हिट हो जाएगा, कॉर्पोरेट वालों को अगर सिखाया जाए। लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि ये सब हमारे शास्त्र जो गोपनीय है इसको दूसरे कहीं यूज करके फायदा नहीं हो, अच्छा नहीं होगा। नहीं तो ये जो चीज है वर्ल्ड में कहीं पर भी इस फॉर्मूले को लगाएंगे सक्सेस हो जाएगा, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई वर्किंग हो, चाहे कुछ भी हो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो ये छह चीजें मुझे लगता है समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। उत्साह समझ में आएगा, उत्साह के साथ चलते रहना है। उत्साह मतलब चलते रहो, रुको नहीं, और नारे लगाते रहो। हम लोग बीच बीच में हरि बोल, जय हो, साधु साधु, ये नारे चलते रहेंगे, एक दूसरे को उत्साह देते रहेंगे। और निश्चय, निश्चय का मतलब शास्त्र अध्ययन करते रहेंगे ताकि उनको पता रहे कि हम जो करें ठीक करें, कुछ गलती नहीं हो रही है, निश्चय। और फिर तत् निश्चय धैर्य, धैर्य के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने यूज नहीं किए। जैसे प्रभुपाद जी ने चिड़िया का उदाहरण दिया है, एक चिड़िया ने अपने अंडे को सागर के किनारे रखा था और उसके अंडे सागर लेके गया। अब चिड़िया बहुत दुखी हो गई, तो चिड़िया ने सागर को कहा कि मेरे अंडे वापस दे दो। सागर ने उसकी बात नहीं सुनी, चिड़िया दोबारा बोली कि ये सागर प्रभु आप तो बहुत महान है, मैं छोटी सी हूँ, मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है कि मेरे अंडों को वापस दे दो, नहीं तो मैं आप लोग का पानी तुम्हारा खाली कर दूंगी। तो सागर हंसने लगा, तो चिड़िया ने अपनी चांच से धीरे धीरे सागर को खाली करना शुरू किया। अब एक चिड़िया की चांच से सागर कभी खाली होगा, सोचिए। तो करने लगे खाली, और फिर दूसरे पंछी आ गए, बोले क्या भाई चिड़िया तुम क्या कर रही हो, बोले मेरा अंडा इसने छीन लिया और अंडा वापस नहीं दे रहा, मैं इसको खाली कर दूंगी, तो तुम अगर मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो तो तुम भी सहायता करो मुझे। तो दूसरे पंछी भी पानी उलझना शुरू किए। तो पूरे पृथ्वी के जितने भी पंछी है, सब पंछी भी अगर लग जाए तो भी सागर को खाली नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सोचिए। अगर सब पंछी पानी लगे तो एक बाल्टी होगा, एक बाल्टी में पूरे पृथ्वी के सब पंछी की पांच आंच भर जाएगी, तो कब सागर खाली नहीं हो सकता है। फिर भी सब लगे थे। फिर पंछी के राजा गरुड़देव आ गए, गरुड़देव की क्षमता है, गरुड़देव एक चांस में पूरा सागर को खाली कर सकते हैं, इतने महान है, बहुत बड़े हैं गरुड़देव। तो गरुड़ महाबली, महाबली गरुड़ आ गए और वो आकर के सागर को ललकार दिए कि सागर तुम तो मुझे जानता है, सीधे सीधा अंडा वापस दे दो नहीं तो अभी मैं खाली कर दूंगा तुम्हारा पानी। तो सागर डर गया और अंडा वापस दे दिया। ये स्टोरी प्रभुपाद जी ने खुद ही लिखी है गीता में, वहां से ही बोल रहा हूँ, ऐसे बचपन में भी सुना था। ये रियल स्टोरी नहीं है, ये समझाने के लिए, सिखाने के लिए स्टोरी दी गई है। तो यही है कि उत्साह उसका, देखिए उत्साह कितना था यही बता रहे हैं चिड़िया का, और निश्चय कैसा था, तो धैर्य कैसा था, ये सब शिक्षा उस स्टोरी में मिल रही है। तत्त कर्म प्रवर्तनात् में प्रभुपाद जी ने नवधा भक्ति बताई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम रचनम वंदनम दासम सख्यम आत्म, प्लस चार नियम की बात की है प्रभुपाद ने, चार नियम का पालन करना। तत्त कर्म प्रभु सत्वृत्ति में प्रभुपाद कहते हैं आचार्यों का पदांग का अनुसरण करना, मतलब छह गोस्वामी हमारे आचार्य हैं उनके पदांग को अनुसरण करना, ये सत्वृत्ति है। और संघ त्यागात में प्रभुपाद अभक्तों का संघ त्याग करने को बोल रहे हैं। ओके, तो अभी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट होगा अभी कमेंट कर सकते हैं, कोई पॉइंट अच्छा लगा तो बोल सकते हैं, आपको लग रहा है कि बहुत हमारे लाइफ से रिलेवेंट था, वो हमको सीखने मिला, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
এই উৎসাহ ব্যাপারটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, যে উৎসাহটা ভীষণ আমাদের দরকার। এই উৎসাহটা যদি সত্যি কমে যায় তাহলে আমরা সত্যি এগোতে পারবো না। তো এই উৎসাহের জন্য আমার এই আপনার এই টপিকটা বলাটা ভীষণ ভালো লেগেছে, যে এইভাবে যে আমরা যদি এগোতে পারি তাহলে আমরা সত্যি একটা জায়গায় পৌঁছতে পারবো, এটাই বলছি। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी उत्साह के साथ में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि निश्चय, अगर हमारे में निश्चय है तो हम उस चीज को जरूर कर पाएंगे। जैसे अभी भक्ति शास्त्री मैं कर रही हूँ तो ये मेरे लाइफ से रिलेटेड है कि भाई मैं किसी, मुझे करना है, इतनी मेरे पर प्रॉब्लम्स आती है उसके बावजूद भी मैं, मुझे करना है और मैं कर रही हूँ उसको, चल रही हूँ आगे। अगर ये मैं नहीं करती तो मैं छोड़ चुकी होती, इतनी प्रॉब्लम्स है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा पॉइंट, इतने प्रॉब्लम्स के बीच में रह के भी भक्ति शास्त्री नहीं छोड़ना। हाँ, नहीं छोड़ना। अगर नहीं छोड़ के अगर कर लेते उसका मतलब आप सक्सेस हो गए, आप प्रॉब्लम्स को दबाने में सक्षम हो गए। तो ये मेरी लाइफ से रिलेटेड एकदम कंटिन्यूअस चल रहा है। तो हाँ, इतने स्ट्रगल में भी मेंटेन कर लेना भक्ति शास्त्री को, ये प्रमाण है कि आप परीक्षा वो पास कर रहे हो, निश्चय वाला पास कर पाना है।